चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेशन। बड़ी खबर है जहां अभय सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला पर दिया बड़ा बयान। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पल्लव विधायक अभय सिंह चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर पलटवार करते हुए जज कहा कि जजपा तो भाजपा से भिगी हुई है, जजपा का कभी भी भाजपा में विलय हो सकता है, जिसके बाद जजपा का प्रदेश में कोई जनाधार ही नहीं रहेगा। दूसरों पर लांछन लगाने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अभय चौटाला दादरी के गांव आदमपुर कलाली सहित कई गांव में पहुंचे थे। इस दौरान दूसरी पार्टियां छोड़कर इनेलो में आस्था जताने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अभय ने कहा कि पिछले वर्ष किसानों के साथ साथ आमजन के लिए बहुत कष्टदायक रहा। नव वर्ष से कार्यकर्ता पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रण ले और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती दे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश की गठबंधन सरकार द्वारा चौथा कृषि काला कानून लाया जा रहा है वह किसानों के हित में नहीं है। अगर ये कानून आ गया तो किसानों की जमीन को, ऐसे में इनेलो इस कानून का जिला स्तर पर विरोध ज्ञापन सौंपेगी। अगर सरकार ने काला कानून वापस नहीं लिया तो कृषि कानूनों की तर्ज पर चले किसान आंदोलन की तुलना शुरू किया जाएगा। अभय चौटाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एचपीएससी भर्ती घोटाले में सीएमओ कार्यालय पूर्ण तरह दोषी है। अनिल नागर को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया। सीएम के दूसरे प्रदेशों के लोगों को सीएमओ कार्यालय में भर्ती करके हरियाणा की नौकरियां बेचने का काम किया है। जब तक सीएमओ कार्यालय पर कार्रवाई नहीं होगी तो असल दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।